मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ अखबार बानी गॉसिप में। मेकर्स को क्या लगता है कि जनता को कुछ दिखाई नहीं देता है? जिया और अभिषेक को एक करना चाहते हैं, इसीलिए मनीषा और फुकरा इंसान को अलग करना चाहते हैं। क्यों? काफी सारी चीजें तो जिया ने भी बोली थी मनीषा के खिलाफ, वो क्यों नहीं दिखाया? वो आखिरकार खुद बेबी का बोल रही थी कि जिया पलट गई। भाई वो पैड वाली बात को मेरे सामने तो चुगली कर रही थी, और जब मनीषा आई तब पलट गई। क्यों नहीं दिखाया जब पीठ पीछे ये बात कर रही थी? मनीषा यहां पर मस्ती मजाक कर रही थी, जहां पर मनीषा ने मस्ती में ही ये बात बोला। और सच में मनीषा नहीं जाने देना चाहती है फुकरा को उस तरफ, क्योंकि जिया नहीं है सही और उसका इंटेंशन जो है वो सही है। जनता ये समझती है कि मनीषा ने ऐसा क्यों किया है। मनीषा को ये जो पूरा मैटर दिखाया गया ना कि मनीषा ने फुकरा इंसान के पीछे जो है इसको लगाया आशिका को, और आशिका ने अपना दिमाग नहीं चलाया, आशिका भी लग गई, सूट भी पहन लिया, बिंदी भी लगा ली उसने, फिर वो सब चीजें किया उसने भी, आशिका ने भी मानी बात, उसने भी कोशिश की, पर वो कोशिश नाकाम रही थी उस वक्त, क्योंकि आशिका आई और उस आशिका ने वो एफर्ट्स नहीं दिए, आशिका ने फ्लर्ट भी नहीं, कुछ भी नहीं किया। पर यहां पर ये लोग बोल रहे हैं कि वो बातें दिखाई है कि भाई हमें ना जिया अच्छी नहीं लगती है, जिया जो है डोरे डाल रही है, ये कर रही है, वो उसके चक्कर में जाए उससे अच्छा ना तू उसको पकड़ ले, तू हमारे ग्रुप में रहेगा। अगर डिस्कशन की, एक तो तुम्हें कंटेंट दे, अपनी पूरी दिल की बातें बिना सोचे समझे वो करे, और फिर तुम जो हो ऊपर से उसी के ऊपर दूसरे को ऊपर उठाने के लिए तुम ये सब चीजें कर रहे हो। मेकर्स यहां पर ऐसी हरकतें कर रही हैं। यहां पर मुझे चीजें बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। यहां पर इसके पीछे का जो सब मेकर्स का प्लान था ना, मुझे लगता फेल हो चुका है। मेकर्स ने जदादिद को निकाला, आप लोगों को बताया है, क्योंकि जिया और जो फुकरा है वो एक हो जाए, ये है इनका प्लान, जिया और फुकरा एक हो जाए, क्योंकि जो दिखाना चाहते हैं वो। फिर मनीषा, जो कि इतना अच्छा बॉन्ड है मनीषा और अभिषेक का, वो तोड़ने की कोशिश की, सिर्फ उसी का दिखाया कि हाँ ये अगर फुकरा इंसान ये सब चीजें देखेगा कि ऐसा ऐसा कर रही है, जिया के बारे में ऐसी गंदी गंदी बातें कर रही है, तो अच्छा है कि भाई ये मेरे पीछे ऐसा नहीं कर सकती, मैं तोड़ देता हूं। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ये दोस्ती ऑर्गेनिक है, ये ऐसी वैसी नहीं है। जहां पर फुकरा हंसते ही रहे, फुकरा ने कोई भी इस चीज का बुरा नहीं माना है, फुकरा पता ही ये मस्ती मजाक चल रहा था, और वहां पर मनीषा मस्ती मजाक ही कर रही थी, कोई सीरियस टॉक नहीं थी। ये जो मेकर्स है ना, वो सब चीजें हम लोग देखते हैं, आप लोगों को भी पता लगा होगा। क्या आप लोगों को ये गेम समझ में आई थी जो मैंने बोला है? तो बताइए जरूर, या आपके माइंड में कुछ और बेहतर है तो वो भी बताइए। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।